पार्लियामेंटेरियन, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? शजा की जी आवाज में जी, एक सेकेंड जी 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 शजा प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे ख्याल से जी, टू बी ऑनेस्ट, आई हैवन्ट बीन फॉलोइंग अप वेरी इसको प्रोएक्टिवली, मगर ऑब्वियसली नज़र से गुजरी हैं चीज़ें कि ये जो आई वुड लाइक टू से कि एक गैर महज़ब और अजीब किस्म का माहौल क्रिएट हो रहा है. पाकिस्तान के पास बड़े इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं डिस्कस करने के लिए, उनके ऊपर तबसरा करने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, और ये जो बीच में एक क्रिएट कर दिया गया है, मुझे नहीं पता ये सिंथिया मैडम जो हैं ये कौन हैं, क्यों पाकिस्तान हैं, कब से हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि इनकी जो तस्वीर हैं वो अस्करी क़यादत से ले के सियासी लोगों से ले के हमारे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उधर से ले के हमें इनकी तस्वीर नज़र आती हैं. तो यकीनन इनकी एक्सेस तो बहुत दूर तक है. चीज डजंट सीम टू बी अ डैमसल इन डिस्ट्रेस. तो इनका इनकी पहुंच तो नज़र आती है हमें इनकी तस्वीरों से. अब ये जो इल्ज़ाम तराशी की एक लहर दौड़ी हुई है, ये मेरे ख्याल से हमारी मुल्क के जो एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो FIA है, साइबर क्राइम है, इनके पास दे हैव इतनी कैपेसिटी है कि ये इस मसले की तह तक पहुँचें और इसको रिजॉल्व करें, ना कि इसको बिला वजह जो है एक अजीब सी बात और माहौल, मतलब ये ना हमारा कल्चर है ना हमारी करने वाली ये बातें हैं, जिस किस्म की बातें जो हैं इस वक्त मुसलसल सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर टिकअप की जा रही है, तो इसके इस मसले का हल निकाला जाए और इसको जो भी है इसको खत्म करना चाहिए. खत्म करना चाहिए, ठीक हो गया. ताशफीन, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी क्लियर ऑन दैट. मुझे आप दोनों से ऐसा सवाल करते हुए खुद भी काफी I don't have words to say, लेकिन ये किस किस्म का पाकिस्तान का हमारा माशरा, हम लोगों को बड़ी इज्जत सिखाई जाती है औरतों को लेकर, औरतों की बड़ी इज्जत डिफाइन होती है, उनके करेक्टर्स डिफाइन होते हैं, हमें यही हमारी परवरिश है, लेकिन इस तरह की चीज़ें सरफेस होना और फिर उसके बाद what do you want to comment on that जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच मंसूर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम टुडे. एक्चुअली ये जो आपने अभी बात की, मेरी नज़र से भी ये आज ही गुजरी है और इस पर मैं ये देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक गैर महज़ब चीज़ है और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि ये बहुत अजीब से इल्ज़ामात हैं जो इन खातून ने लगाए हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कुछ अरसे से पीछे माजी में भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मिलायन करने के लिए होती रही है, होना बदकिस्मती से शुरू हो गई है कुछ अरसे से. लेकिन मैं इसको पूरी तरह से कंडेम इसलिए करूँगी क्योंकि हमारे लिए तमाम पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो बहरहाल रिस्पेक्टेबल हैं, और अगर इसमें इन खातून ने जो भी, ये एक गैर मुल्की खातून है, ज़ाहिर है हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर इन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए हैं तो मेरा पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी यही मैं कहूँगी कि उनको इसको डिफेमेशन का केस लेकर कोर्ट जाना चाहिए या इसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए कि वो इस तरह से क्यों कर रही हैं. इससे ज़्यादा मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसकी डिटेल्स का इतना पता नहीं है जी. बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल आपका बहुत अच्छी एक एडवाइस है कि ऐसी केसेस में डिफेमेशन होनी चाहिए और हर नेम शुड बी पुट इन ECL. ये चीज़ बहुत अरसे से, मैं आज सुबह भी बात कर रहा था, शी इज़ अ शेडी करेक्टर, सो मेरी रिक्वेस्ट भी होगी जिस तरह हमारे रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस भी यही कह रहे हैं कि दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, कहीं साइडलाइन नहीं किया जाए. अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं. शेजा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, प्राइवेटाइजेशन, आप लोगों को याद होगा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त भी PIA